4 degree 2 honors students. Now we start partial differential equation of first order. Lagrange's equation बताएंगे तो उसमें सबसे पहले partial differential equation ये form का है PP plus QQ is equal to R. A small p QQ is equal to R is called Lagrange's equation where P Q R फंक्शन किसका है x y z का और स्मॉल p का मान हो गया डेल्टा z y डेल्टा x q का मान हो गया डेल्टा z बटे डेल्टा y तो लैग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx बटे p dy बटे q dz बटे r ऑन दिस बेसिस we are going to solve some problems in the form of PP plus QQ is equal to R. Now, solve the question, solve question. Solve है तुम्हारा question है Z XP minus YQ is equal to Y square minus X square. ये question है. तो ये हम इसको solve कर लेंगे, इसको multiply कर देंगे Z XP minus Z YQ is equal to Y square minus X square. ये हमारा हो गया कैपिटल पी, ये हमारा हो गया क्यू और ये हमारा हो गया आर. इस फॉर्म का हो गया हमारा, इस फॉर्म का हो गया पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि पी लैग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स बटे पी, पी का मान हम क्या बिठावेंगे बालक, जेड एक्स बराबर डी वाई माइनस जेड वाई इक्वल टू डी एक्स वाई डी जेड डी जेड आर. आर का मान हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. टेकिंग तीन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम फर्स्ट सेकंड को ले लेंगे तो डी एक्स बटे जेड एक्स बराबर डी वाई बटे माइनस जेड वाई, जेड जेड कट गया हमारा हो गया डी एक्स बटे एक्स, इंटीग्रेटिंग करेंगे डी वाई बटे माइनस वाई, यहाँ से आ जाओ डी एक्स वही आ गया डी एक्स बटे एक्स बराबर डी बटे वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स. हम पढ़ करके आए हैं कि डी एक्स बटे एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स. यहाँ बाई देंगे तो बाई होगा, जेड देंगे तो जेड देंगे, यहाँ हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस लॉग, माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, लॉग एम प्लस लॉग एन. हम अब चलते हैं एक फार्मूला पर जो हम 11 में पढ़ाए हैं, 11 लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम गुने एन, ये फार्मूला. तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई तो लॉग एम गुने एन, लॉग एक्स वाई हो गया, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, एक्स वाई इक्वल टू सी वन, एक मेरा निकल गया. अब यूजिंग एक्स वाई जेड, इसमें एक्स इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से एडिंग कर देंगे तो ये कट करके सब जीरो हो जाएगा. तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू बाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू बी की जगह पर हम सी टू कर देंगे पुट, दो को हमारा इक्वेशन निकल गया एक्स वाई इक्वल टू सी इतना, हेंस द जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई इतना हो गया. एक हिसाब, दूसरा हिसाब हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी प्लस बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू इजकल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा पी हो गया कैपिटल पी एक्स बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्यू बाई एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर हो गया जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हम लैग्रांजेज इक्वेशन पर लिख देंगे डी एक्स बटे एक्स डी वाई बटे वाई डी जेड बटे डी एक्स बटे पी डी क्यू और डी जेड बटे आर. अब पी की जगह पर हम इतना बैठा देंगे डी एक्स बटे एक्स बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी वाई बटे क्यू बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड बटे जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा लैग्रांजेज जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का ये फॉर्म हम ला दिए हैं. अब इसमें हम चूज करेंगे मल्टीप्लायर से, इससे ऊपर किए थे
एक्स इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना होगा, बाईस में करेंगे तो बाईस में होगा, जेड और ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये नीचो एक दूसरे से ये कट जाएगा, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डिवाइड जेड इजकल टू जीरो। एक्स थ्री, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, बाईस का बाई स्क्वायर बाई टू, जेड का जेड स्क्वायर बाई टू, कॉन्स्टेंट हो गया। टू हम मल्टीप्लाई एल सी एम ले लेंगे, टू ए, टू ए का मान सी वन पुट कर देंगे। उसी तरह से हम चूजिंग वन बटे एक्स वन बटे बाई मल्टीप्लायर। अब हम जो हमारे पास जो लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशंस का जो प्रॉब्लम आया है वो इसमें वन बटे एक्स से गुना करेंगे, इसमें भी वन बटे एक्स, वन बटे बाई वन बटे बाई, वन बटे जेड वन बटे जेड, एक्स एक्स कट जाएगा, बाई वाई कट जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, तो वन बटे एक्स डी एक्स प्लस वन बटे बाई डी वाई वन बटे जेड डी जेड, वन बटे एक्स हो गया, इस करके जीरो हो जाएगा, डी एक्स बटे एक्स, डी एक्स बटे एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, अगर यहाँ बाई दे देंगे तो बाई हो जाएगा, जेड दे देंगे तो जेड हो जाएगा, तो डी एक्स बटे एक्स लॉग एक्स, डी वाई बटे वाई लॉग वाई, डी एक्स लॉग जेड लॉग सी टू। फार्मूला सभी पढ़ाएं, लॉग एम गुने एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, एक्स बाई जेड, लॉग लॉग खत्म हो जाएगा, एक्स बाई जेड इजकल टू, द जनरल सोल्यूशन इजकल टू इतना। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दो प्रॉब्लम तुम घर पर बना लोगे, एक प्रॉब्लम है बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस टू एक्स वाई क्यू प्लस टू जेड, ये हमारा कैपिटल पी हो जाएगा, ये कैपिटल वाई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2014 में भी आया है, बाई जेड प्लस पी प्लस जेड एक्स प्लस क्यू इजकल टू एक्स प्लस वाई। इस तरह से तुम आज हम तुमको लैग्रांजे इक्वेशन का और ऑक्सिलरी इक्वेशन का प्रॉब्लम दो को बना दिए हैं, दो ठो दे दिए हैं, तुम लोग इसको बनाओ। थैंक्स।